हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। तो एक बार फिर स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो चलिए बेटा, आज हम ट्वेल्थ क्लास की अकाउंट्स का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर का नाम बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर थोड़ा सा आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा। तो समझते हैं चेंज इन PSR का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है। आपको नाम तो समझ आ रहा है बेटा, चेंज इन PSR का मतलब ये हुआ कि पहले हमारी फर्म में तीन पार्टनर थे और तीनों पार्टनर्स की कुछ ओल्ड रेशियो थी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, तो जो न्यू रेशियो होगी वो हमारी रिवाइज रेशियो होंगी, ठीक है। तो हमें देखना है कि ओल्ड पहले कितनी थी और नई रेशियो ने चेंज कितनी करी, तो वही हमें समझना है बेटा। तो हम बात कर रहे हैं चेंज इन PSR की। हम बात करते हैं चेंज इन PSR का मतलब क्या होता है। एक फर्म है, इस फर्म में तीन पार्टनर हैं, ठीक है बेटा। चलिए सर, तीन पार्टनर है जी, इनके नाम है X, इसका नाम है Y और इसका नाम है Z। करेक्ट है सर। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी ₹10 का प्रॉफिट कमाती है, तो ये ₹10 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? सर, इनको मिलता है 4, इनको मिलता है 3 और इनको मिलता है 3, ऐसे कर लेते हैं। तो पहले ये प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? 4-3-3 के रेशियो में, ठीक है। ये इनके ओल्ड रेशियो हो गए। अब इन लोगों ने प्लान किया, एक काम करते हैं यार, रेशियो को रिवाइज करते हैं, तो हम कुछ न्यू रेशियो रिवाइज कर रहे हैं। अब ₹10 को एक काम करेंगे, इनको मिलेंगे 3, इनको मिलेंगे 3 और इनको मिलेगा 4, तो पूरा कितना हो गया? ₹10 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बेटा। हाँ जी सर। तो इस पूरे चैप्टर की थीम क्या है कि पहले हम किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? 4-3-3 के रेशियो में, और अब हम चाहते हैं कि हम प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें? 3-3-4 में, ठीक है बेटा। तो ये जो चेंजेस है, इसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं? चेंज इन PSR रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें बहुत ध्यान सुनिए। अब एक सिंपल सी बात है, अगर पहले हम प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट रहे थे, ठीक है, और अब हमने रेशियो रिवाइज किया है, तो इसका मतलब कुछ पार्टनर्स को क्या होने वाला है? सर, गेन होने वाला है। जब रेशियो रिवाइज होंगी तो कुछ पार्टनर्स को फायदा होगा और कुछ पार्टनर्स क्या करेंगे? सैक्रिफाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सैक्रिफाई करेंगे, ठीक है। तो एक बात कॉमन सेंस की बात है बेटा कि अगर फर्म के रेशियो रिवाइज हो रहे हैं तो कुछ पार्टनर्स को फायदा होने वाला है और कुछ पार्टनर्स को नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है? हमें यही पढ़ना है कि ओल्ड रेशियो ये थी और न्यू रेशियो ये हो गई, तो बताइए किस पार्टनर्स को गेन हो रहा है, किस पार्टनर्स को फायदा हो रहा है। अगर हम यहां पर देखें, पहले ₹10 में इसे कितने मिल रहे थे? 4, तो सर अब कितने मिल रहे हैं इनको? 3, तो सर ये तो ₹1 क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाई कर रहे हैं। देखो ना, पहले ₹10 में इनको कितने मिलते थे? 4, अब कितने मिलेंगे? 3, तो ये क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाई। तो एक्स तो सर क्या कर रहा है? सैक्रिफाई कर रहा है जी, ठीक है। Y की बात करो, Y को पहले भी 3 मिल रहे थे, अब भी 3 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब सर क्या हुआ? नो सैक्रिफाई और नो गेन। ये ना तो सैक्रिफाई कर रहा है और ना गेन कर रहा है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, अगर बात करें हम जेड की, जेड को पहले ₹10 में ₹3 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? 4, तो ये तो सर इनको गेन हो रहा है, कितने का? ₹1 का। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब एक्स को क्या कर रहा है? एक्स कर रहे हैं सर सैक्रिफाई और जेड क्या हो रहा है? गेन। और हमेशा याद रखना जितना सैक्रिफाई हो रहा होगा उतना ही क्या होगा? गेन होगा। भाई तीन ही तो पार्टनर है, कोई नया पार्टनर थोड़ी आ गया है, तो अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टनर्स को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही बात करनी है। अब मेरी बात सुनो, जो ये चेंज इन PSR रेशियो किया है, ये चेंज इन PSR रेशियो बेसिकली होता है क्या? अगर हम बात करें चेंज इन PSR रेशियो का मतलब क्या होता है, सर इसका मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या कर रहे हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ जो हमारे ओल्ड एग्रीमेंट थे, है ना, हमारा पहले ओल्ड एग्रीमेंट क्या था? 4-3-3 का था, तो सर ये ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो गया और हमारा एक नया एग्रीमेंट आ गया। तो यहां पर क्या होगा? जब चेंज इन PSR रेशियो होता है तो हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। तो पहली बात, चेंज इन PSR रेशियो का मतलब क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। हमारा बिजनेस वही है, पार्टनर भी वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल हमने प्रॉफिट रेशियो को चेंज कर लिया। तो एक पहला पॉइंट ये हुआ कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या हो रहा है? फर्म हो रहा है जी। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें मेरे बच्चों, अगर एक बात बताओ, चेंज इन PSR रेशियो से क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है? अगर हम बात करें चेंज इन PSR रेशियो, डिसोल्यूशन ऑफ क्या हो रहा है? फर्म हो रहा है या डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस हो रहा है?
डिसोल्यूशन का मतलब होता है, इसे प्यार से बोलते हैं डिजो। सेकेंड टर्म में आप चैप्टर पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो मैं कह रहा हूं अगर चेंज इन पीएसआर रेशियो होगा तो इससे हमारी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है या हमारे बिजनेस का हो रहा है? तो सर ओनली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस थोड़ी हो रहा है। बिजनेस तो आपका वही चल रहा है ना, केवल जो हमारे बीच के रेशियो थे वो थोड़े से चेंज हो गए। तो मैंने बात बोली कि चेंज इन पीएसआर रेशियो का मतलब क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, ठीक है। और दूसरा ये डिसोल्यूशन ऑफ क्या होता है, फर्म नहीं होता है, सॉरी ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस नहीं होता है। और तीसरा एक पॉइंट, जब हम चेंज इन पीएसआर रेशियो करेंगे तो कुछ पार्टनर्स क्या करेंगे, सैक्रिफाई करेंगे सर, और कुछ पार्टनर्स क्या करेंगे, गेन करेंगे, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू बेस में आजकल पूछ रहे हैं बेटा। आई होप मेरी इतनी बात आपको क्लियर होगी, आगे चले बेटा। चलिए बच्चों, चलिए आगे स्टार्ट करें बेटा। तो अभी तक हमने देख लिया कि चेंज इन पीएसआर रेशियो का मतलब हुआ जब ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने रेशियो को चेंज करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। और फिर हमने बात करी चेंज इन पीएसआर रेशियो का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है,
ना कि डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है। और हमने कहा है इसमें कुछ पार्टनर्स को गेन होगा, कुछ पार्टनर्स को सैक्रिफाई करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं कि एडजस्टमेंट इन चेंज इन पीएसआर रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो उससे कहां कहां पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है बच्चों। सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है, हमें फाइंड करने पड़ते हैं सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। भाई कॉमन सेंस की बात है, पहले रेशियो कुछ और था, अब रेशियो चेंज कर दिया, तो कहीं ना कहीं कोई पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाई और गेन कर रहा है। दूसरा पॉइंट, अकाउंटिंग ऑफ क्या देखना पड़ता है हमें, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो अब थोड़ा सा गुडविल का हमें ट्रीटमेंट भी यहां पर देखना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ क्या देखने, रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो हमारे पास जो रिजर्व पड़े हुए हैं, जो प्रॉफिट लॉस पड़े हुए हैं, वो हमने किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किए थे, किस रेशियो से शेयर किए थे, बचा के रखे थे ओल्ड से, और अब हमने रेशियो रिवाइज कर दी। तो जब हमने प्रॉफिट बचा के रखे तो उस टाइम रेशियो कुछ और थी, और आज हमारी रेशियो रिवाइज्ड हो गई है, तो हमें इसमें भी चेंज देखना पड़ेगा। अगला है बेटा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और एक पार्ट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपके कोर्स में नहीं है। सर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, तो हमारी जो बैलेंस शीट डेट है उस पर हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, और चेंज इन पीएसआर रेशियो की डेट पे हमारे पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा ओनली सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। स्टार्ट करें बेटा, इसको स्टार्ट करेंगे एग्जांपल के साथ, और एक एग्जांपल में चार या पांच केस होंगे, तो जैसे ही वो चार पांच केस आप करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका पूरा ये टॉपिक रेशियो वाला रिवाइज मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। स्टार्ट करें, लिखिए एक छोटा सा एग्जांपल लिखिए बेटा। चलिए बच्चों, तो अब हमें कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और उससे पहले हम छोटा सा एक पॉइंट थ्योरी का डिस्कस कर लेते हैं कि सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कब कब होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कब कब होता है। तो पहला हमने पॉइंट पढ़ा चेंज इन पीएसआर रेशियो, जब हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में रेशियो को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। किसी नए पार्टनर्स का एडमिशन, किसी पार्टनर्स की रिटायरमेंट, किसी पार्टनर की डेथ, या इसके अलावा अमलगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स। जब दो या दो से अधिक फर्म्स मर्ज होके दो फर्म बंद होके एक नई फर्म बनती है उसे कहते हैं अमलगमेशन, अमलगमेट होना, है ना। तो जब दो एग्जिस्टिंग फर्म क्लोज होके एक नई फर्म बन जाती है, तो इसे ये एग्जाम्पल ऑफ किसके हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के हैं बेटा, ठीक है बच्चा। चल सकते हैं आगे, तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कि सर सैक्रिफाई रेशियो गेन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो पहले एक मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सैक्रिफाई का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है सर, पता है हमें। अगर हमने सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला लगाया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलो या सैक्रिफाई रेशियो बोल रहा हूँ, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आंसर पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे सैक्रिफाई हो रहा है, लेकिन अगर ये माइनस में आ गया तो बोलेंगे गेन हो रहा है, ओके। अगर हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, गेनिंग क्या होती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे गेन हो रहा है बेटा, लेकिन अगर माइनस आ जाए तो क्या बोलेंगे, सैक्रिफाई हो रहा है, क्या हो रहा है, सैक्रिफाई। सर बोलना क्या चाहते हो, जिसका हम फॉर्मूला लगा रहे हैं अगर पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाई है, लेकिन अगर माइनस आ गया तो क्या बोलेंगे, गेन। और अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, पॉजिटिव आया तो ठीक है गेन है भाई, लेकिन अगर वो माइनस में आ गया तो क्या बोलेंगे उसे, सैक्रिफाई। तो आई होप मेरी इतनी बात समझ आई होगी। चलो मैंने पहला एग्जांपल कर दिया है कि पहले से एक्चुअली कर रखा था, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 5:3:2 का रेशियो है, जेड टेक्स कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, जेड 1/5 शेयर किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है, ठीक है बात। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में सैक्रिफाई कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, और गेन कौन कर रहा है, जेड कर रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी कर लेते हैं। सैक्रिफाई का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है सर। एक्स का ओल्ड कितना है, 5/10, वो रहा बच्चे। और जरा बताओ एक्स का न्यू कितना होगा, सर एक्स का न्यू 5/10 पहले था, और माइनस 1/5 किसको दे दिया, जेड को दे दिया आपने, तो आपका शेयर इतने से कम हो जाएगा ना, तो आपका नया रेशियो क्या आएगा, नया शेयर क्या आएगा, 3/10। तो 5/10 माइनस 3/10 2/10, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये भाई सब सैक्रिफाई कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है। वाई की बात करें, वाई सर कुछ नहीं कर रहा, वाई का पहले भी 3/10 था, अब भी 3/10 है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जेड किससे ले रहा है, एक्स से, तो वाई में कोई चेंज नहीं आएगा।
सर जड़ की बात करें, जड़ का ओल्ड शेयर कितना है? 2/10, ठीक है। माइनस न्यू रेशियो क्या है? 2/10 तो पहले था, और 1/5 किससे लिया आपने, याद है? x से लिया था, तो ये ऐड कर दो बेटा, ठीक है। 2/10 यहाँ एलसीएम लेंगे, 10 आएगा 4, ठीक है, तो ये माइनस में आ गया, तो साफ साफ ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है बेटा। तो हमेशा हमेशा सेक्रीफाई और गेनिंग क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई गलती हो रही है। तो आई होप पहला एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा, पहला केस क्लियर होगा बेटा। चलिए सर इसी बात पे अब हम केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 में कह रहा है कि जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। ओके चलो, तो जरा बताओ हमारे पास ओल्ड रेशियो कितनी है, 5:3:2, ठीक है सर। जेड टेक्स, जेड कितना ले रहा है, 1/5, किससे ले रहा है सर? सर जेड ले रहा है 1/5 इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, तो इक्वली का मतलब क्या हो, 1:1, और किससे लेगा, एक्स और वाई से। तो भाई 1/5 का हाफ कितना हो गया, 1/10। 1/5 का हाफ कितना हो गया, 1/10। सर ये हाफ क्यों किया, क्वेश्चन में लिखा है कि जेड टेक्स कर रहा 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, तो 1/5 दोनों से नहीं ले रहा, 1/5 को इक्वली दोनों से ले रहा है बेटा, ठीक है। तो सर अगर हम बात करें एक्स का नया शेयर क्या होगा, अगर हम बात करें एक्स का न्यू शेयर क्या होगा, बताओ सर। x का ओल्ड था 5/10 माइनस कितना दिया जड़ को, 1/10, तो बताओ जी एलसीएम कितना आ गया, मेरी मैथ तो बहुत कमजोर है बेटा प्लीज बताओ। सर y का न्यू शेयर कितना होगा, सर 5/10 पहले शेयर था और इसने भी कितना दिया, नहीं सॉरी इसका शेयर 3/10 माइनस 1/10 दे दिया, तो कितना आएगा, 2/10। सर बताओ जड़ का न्यू शेयर क्या होगा, ओहो जड़ का न्यू शेयर, जड़ का ओल्ड कितना था, 2/10 प्लस किससे लिया बच्चों आप लोगों ने, प्लस आपने लिया एक्स और वाई से, कितना लिया, 1/5 तो लिया सर, 1/10 लिया ना, 1/10 का सम कितना आएगा, 1/5 ही तो आएगा मेरे बच्चे, तो इसका शेयर कितना हो गया, 3/10। कुछ गलती हो गई, 10/3, अच्छा यहाँ 4 आएगा ना, कितना आ गया, 4/10, थोड़ी मैथ्स मेरी कमजोर है, 2 और 2 4, ठीक है जी 4/10 हो गया। तो निकालो सर सेक्रीफाई रेशियो निकालो, पहले निकालते हैं किसका, सर पहले निकालते हैं x का, तो बताओ जी x का ओल्ड रेशियो कितना है, सर x का ओल्ड रेशियो है, अच्छा एक बात बताओ निकालने की जरूरत क्या, निकाल तो दिया आपने, सेक्रीफाई कौन कर रहा बताओ मुझे, सेक्रीफाई सर ये कर रहा है, कौन कर रहा है, x कर रहा है 1/10, सर y भी कितना कर रहा है, 1/10, ये निकालने की जरूरत क्या है, तो सेक्रीफाई कौन कर रहा है बताओ, सब सब x कितना सेक्रीफाई करेगा, 1/10, और y कितना कर रहा है, 1/10, और गेन कौन कर रहा है, फाइनली गेन किसे हो रहा है, गेन सर हो रहा है मिस्टर z को, और कितने का हो रहा है, 1/5, तो ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई, और ये क्या कर रहा है, गेन। आई होप मेरी बात यहाँ पे क्लियर होगी। नहीं सर ये तो आपने न्यू रेशियो निकाले, तो सेक्रीफाई रेशियो निकाल के देखो, चलो देख लो बेटा, ठीक है। चलो सेक्रीफाई का फॉर्मूला बताओ क्या होता है जी, ओल्ड रेशियो, पहले हम एक्स की बात कर रहे हैं, तो एक्स का ओल्ड रेशियो सर 5/10 था, माइनस बोलो न्यू कितना है, 4/10, थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 1/10। सर वाई का बताओ, वाई का शेयर ओल्ड शेयर था 3/10, ठीक है, न्यू कितना हो गया सर वाई का, 2/10, ओ सर ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है, तो सेक्रीफाई का फॉर्मूला यूज किया, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं देखो बेटा, और जेड क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो जेड का ओल्ड कितना था सर, 2/10 था, लेकिन अब कितना हो गया सर, 4/10 हो गया, तो सॉल्व करो सर कितना आएगा, बोलो 2/10, तो ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस का मतलब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गेन, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं आपको, यहाँ देखने से पता लग तो रहा है कि जड़ को 1/5 मिल रहा है, और दे कौन रहा है, ये और ये, तो जब MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसे ही कर लेंगे बेटा, कितना तामझाम करेंगे, ठीक है। चले केस नंबर 3 देखो फटाफट से, केस नंबर 3 देखते हैं हम लोग। चलो तो केस नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, कि एक्स वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ओहो फ्यूचर में इक्वल रेशियो बोल रहे हैं, तो सर अगर हम ओल्ड रेशियो की बात करें तो ओल्ड कितना है, 5:3:2, और न्यू रेशियो कितना डिसाइड कर रहे हैं,
इक्वली, तो वन वन वन, तो सेक्रीफाई रेशियो निकाल के देख लो सर, पहले एक्स ही करते हैं, तो ओल्ड रेशियो था 5/10 माइनस 1/3, ठीक है। चलो जी 30 का एलसीएम ले लो जी, कितना आ गया 15 माइनस 10, तो ये 5/30 आ गया पहले का, पॉजिटिव आ रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है जी। वाई का निकालो सर, वाई का शेयर है 3/10, ठीक है, माइनस कितना है 1/3, एलसीएम कितना आ गया 30, 3 9 और ये कितना हो गया 10, ओ माई गॉड, ये तो माइनस में आ गया 1/10, इसका मतलब ये साहब क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो, ठीक है ना, 3 9 और 3 10, ठीक है जी। जड़ की बात करते हैं बेटा, जड़ का शेयर कितना बताओ बच्चों, जड़ का सर 2/10 माइनस 1/3, तो 30 का एलसीएम आ गया, तो 6 माइनस 10, तो कितना हो गया माइनस 4/10, तो सेक्रीफाई कौन कर रहा है, 5/30 का ये सेक्रीफाई कर रहा है, जो एक्स है वो 5/30 का सेक्रीफाई कर रहा है, तो ये सेक्रीफाई कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो ये मिल किसको रहा है, तो 1/10 इसका शेयर बढ़ रहा है और इसका शेयर कितना बढ़ रहा है 4/10, तो इनका सम कितना आएगा 5/30 सॉरी ये 30 है बेटा सारे, आई एम सॉरी, है ना, तो ये 5/1/30 है, ठीक है जी। तो फाइनली जितना एक्स ने सेक्रीफाई किया वो फाइनली किसको मिला, वो सर मिला वाई एंड जेड को। आई होप मेरी यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए केस नंबर 4 देखते हैं बेटा इसके बाद हम लोग, चलिए केस नंबर 4 की बात करते हैं फटाफट से। केस 4 कह रहा है बेटा कि जेड टेक्स 1/5 शेयर, 1/5 शेयर ऑफ एक्स लिखा है, 1/6 शेयर ऑफ वाई लिखा हुआ है, ये फ्रॉम नहीं है, ऑफ इस शेयर लिखा है बेटा। सर समझ नहीं आया तो बहुत ध्यान सुनो बेटा, एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3:2 है, ठीक है सर। जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, जेड क्या कर रहा है मेरी बात सुनो, जेड कह रहा है एक्स साहब और वाई साहब मैं आपसे कितना लूंगा, 1/5 ऑफ एक्स, तो एक्स का शेयर है कितना, एक्स का शेयर 5/10 है, ओनली 1/5 नहीं ले रहा हो, 1/5 ऑफ एक्स शेयर ले रहा है, तो 5/10 का कितना बेटा 1/5, ओ माय गॉड, इसका मतलब वो कितना ले रहा है 5/50। सर वाई से कितना लेगा, 1/6 शेयर ऑफ वाई, तो वाई का शेयर सर है कितना 3/10, इसका कितना बताओ बच्चों 1/6, ये है ना जी, बिल्कुल, तो 3/60। तो साफ साफ ये समझ आ गया कि x कितना सेक्रीफाई कर रहा है, इतना कर रहा है, y कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, तो फाइनली z क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, तो ये दोनों जो सेक्रीफाई कर रहे हैं वो किसको मिलने वाले हैं, वो सर मिलेंगे z को। सर पूरा सॉल्व करके दिखाओ एक बार, आ जाओ देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर बच्चों कि x का न्यू शेयर क्या होगा, तो सर x का शेयर 5/10 था माइनस 5/50 तो उसने दे दिया, चलो जी एलसीएम लो कितने का 50 का, 25 - 5 20/50 आएगा बेटा। चलो सर y का न्यू शेयर निकाल के दिखाओ फिर इसी बात पे, y का न्यू शेयर 3/10 था माइनस कितना दिया 3/60, यार मैथ्स बहुत दिक्कत कर रही है मुझे, 6 18 3 18 - 15, ठीक है सर। सर जेड का शेयर कितना होगा, तो जेड का न्यू शेयर देख लो कितना होगा बेटा, सर जेड का शेयर था पहले 2/10 प्लस कितना मिला उसको 5/50 प्लस 3/60, चलो बताओ 2/10 प्लस इनका एलसीएम लो कितना आएगा, यार तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, क्या सॉल्व कर सकते हैं इसे, कर लो ना इसको, काट लो यहाँ पर, काट सकते हैं कितना कटेगा ये 1/20 कर दूँ उसको, है ना, तो थोड़ा सा आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जी, तो एक काम करो इसको भी काट लो, ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ये 1/10 हो गया और ये 1/20 हो गया, तो थोड़ा यहाँ चेंज कर लूँ मैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, तो 1/10 प्लस 1/20, ठीक है, तो यहाँ 20 का एलसीएम ले लिया सर आपने, ठीक है, तो ये 2 और 1 3/20 हो गया, तो फाइनली बताओ शेयर कितना आ जाएगा बेटा,
सर 20 कैल्शियम आ गया, तो ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा तीन, यही है जी, दो दो चार और ये हो गया तीन, तो 5/20। तो अभी न्यू रेशियो में ठीक करनी पड़ेगी, इनके बेस इक्वल नहीं है बेटा, चलो बेस इक्वल करते हैं फटाफट। चलो जी, तो इनके बेस इक्वल करने पड़ेंगे, बेस कैसे इक्वल करेंगे जी, एक्स वाई जेड, तो प्लीज़ यहाँ मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बताओ कितना है 20 50 हो गया जी, ठीक है 15/60 हो गया जी, ठीक है, और ये कितना है 5/20, ये है ना, गलती मत करो ना, 20/15/60, और ये ठीक है जी। एलसीएम बोलो कितना आएगा इसके बीच में, 300 ले लो एलसीएम। चलो जी उसे काट सकते हैं इससे हम लोग, कोई बात नहीं, ये हो गया जी, ओ भाई 120, तो बहुत मैस हो गई, 75, ओ भाई 15 × 5 कितना होता है यार, क्या ले लिया, 150 रुपये, 150 आ गया आई थिंक ना, तो ये न्यू रेशियो आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है एक बार चेक कर लो, 300 कैल्शियम लिया, 5 75 और ये होगा 15 × 5 कितना होता है, 75 होता है सर, क्या कर रहे हो आप, अब और सॉल्व करो, 120, ये इतना बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली में करना नहीं था, मैं शुरू में ही ना यहाँ सॉल्व करना था बेटा, तो हमने किया नहीं, चलो कोई बात नहीं, किससे कटेगा बताओ, 5 से कर लो भाई, चेक करना ये रेशो आ रही है क्या, ओहो सर 8 5 5 आ रही है, तो चेक करो क्या न्यू रेशो आपकी 8 5 5 आ रही है बेटा, आ रही है तो सही है, नहीं आ रही तो सर टाइम का सारा ख़राब हो गया हमारा जी, सर 8 5 5 तो नहीं आ रही, 7 आ रही है, कहीं गलती करी सर आपने, तो ये 15 तो ठीक है, कहाँ गलती होगी बताओ मुझे एक बार फटाफट से बताओ जी, बताओ कहाँ गलती हो गई जी, ये 5/20 था न्यू इसका जी, ठीक है 20 ले लिया, 3/20 हो गया, 20 एलसीएम ले लिया, 2 4 और 3 7, ओहो सर यही तो, यही तो, अब यही तो सर, इसे आप एडिटिंग करेंगे, नहीं बेटा मैं ऐसे बैटिंग नहीं करता, 15 105, चलो जी अब काटो दोबारा जी, तो ये हो गया जी 105, और बताओ जी 3 कितना है 9 35 आ गया जी, अब किससे काटो मैं 3 से, तो 7 आएगा जी, फाइनली आपको पता लग गया मेरी मैथ्स कितनी ख़तरनाक है, तो हमारी न्यू रेशियो आ गई 8 5 7 बेटा, ठीक है, तो हमें सर निकालना क्या है, सेक्रीफाई निकालना, वो निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और निकाल तो रखा है, देखो ना यार जेड को कितना गेन हो रहा है, जेड को गेन कितना हो रहा है, इन दोनों का जो सम था कितना सम था, वो ये रहा 3/20, तो 3/20 का जेड को गेन हो रहा है, और सेक्रीफाई कितना कर रहे 1/10 और ये 1/20, ठीक है जी, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटा, तो हमने आज क्या किया, हम लोगों ने मेरे बच्चे बिल्कुल बेसिक्स बातें करी आज, तो हमने बात करी कि भाई चेंज इन पीएसआर रेशियो का मतलब क्या होता है, किन रीजन में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म होती है, और हमने थोड़ा सा बात करी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में, ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।